हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ऐसे देश की चर्चा करने जा रहे हैं जो चारों तरफ से मुस्लिम आबादी से और मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है। एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से अपने सैन्य शक्ति के बल पर निरंतर लड़ रहा है और पूरी तरह से सर्वाइव कर रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम इसराइल की बात करने जा रहे हैं। इसराइल की बात करें तो इसराइल वर्तमान में एक तरफ जहां इजिप्ट से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ दोस्तों देखिए यहां पर मैप में जॉर्डन से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ देखिए दोस्तों यहां पर सीरिया से घिरा हुआ है, तो यहीं दूसरी तरफ लेबनान से घिरा हुआ है पूरा का पूरा इसराइल। प्यार दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक तरफ ये समुंदर से यानी डेड सी के साथ साथ मेडिटेरियन सी के साथ घिरा हुआ है, यानी डेड सी और मेडिटेरियन सी ये दो सी से घिरा हुआ है। प्यार दोस्तों, इसकी इकोनॉमी का आधार भी मेडिटेरियन सी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्यारे दोस्तों, इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एक यहूदी देश है, और यहूदी देश होने के साथ साथ ये अपनी सैन्य ताकत के बल पर दुनिया में अपना लोहा मनवाता है। प्यार दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद का सबसे मेन कारण है, यहाँ के जो फिलिस्तीनी हैं उनका मानना है कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, जबकि इसराइलियों का मानना है कि बाइबल में ही उन्हें शुरू से ही ये इसराइल का क्षेत्र यहूदियों का मूल निवास स्थान के रूप में देखा गया है। अतः इसराइली लोग मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। अतः दोनों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर आज भी वर्तमान में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं जो है इस क्षेत्र में निरंतर संघर्ष की गतिविधियां देखी जाती रही हैं। अगर हम इसराइल कैसे अस्तित्व में आया, प्यार दोस्तों, यहाँ पर दोनों के बीच में विवाद को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अपनाया था, और यहाँ पर यहूदी इलाके के साथ साथ अरबों के क्षेत्र में इसे बांट दिया था। अतः यरूशलम, जो इसराइल की वर्तमान समय में राजधानी है, इसको अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया था। अतः यहाँ पर जो इसराइली समूह के लोग थे, इन्होंने तुरंत इसे मान्यता दे दी थी, और 14 मई 1948 को यहूदी देश इसराइल अस्तित्व में आया था। यानी प्यार दोस्तों, लोकेशन के अकॉर्डिंग आप ये पूरी तरह समझ में गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर इसराइल अपनी लाइफ और अपनी साथ साथ में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो प्यार दोस्तों, और इसराइल के जो प्रेसिडेंट है वो रेवलिन यहाँ के एज ए राइट नाउ प्रेसिडेंट है। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है, और यहाँ इसराइली शेकल यहाँ की करेंसी है। साथ साथ में यहाँ के वर्तमान समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ के राइट नाउ एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो प्यार दोस्तों, लगातार यहाँ पर जो है विश्व पटल पर इसराइल चर्चे में बना हुआ है। लगातार ऐसे छोटे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।